नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। इस वक्त एक अहम खबर अजमेर से, जहां जी राजस्थान न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को राहत दे दी है। आपको बताएं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए 8वीं बोर्ड ऑप्शनल कर दिया है, जहां बोर्ड द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के बच्चों के भविष्य पर संकट की बात कहते हुए इस राहत को दिया गया है। आपको बताएं कि जहां 8वीं बोर्ड को कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए इसे ऑप्शनल करके एक राहत उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस स्वीकृत पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा था और स्कूलों के बच्चों के भविष्य पर जो संकट था वो भी हट गया है। जी राजस्थान न्यूज की खबर का बड़ा असर इस मुद्दे को प्रमुखता से जी राजस्थान ने दिखाया था। और इस वक्त अहम खबर यही कि एक बहुत बड़ी राहत सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को दी है, जहां अब 8वीं बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए ऑप्शनल हो चुका है। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता मनवीर सिंह अजमेर से, हमारे साथ बने हुए। मनवीर, ये कहें कि उन बच्चों के लिए काफी राहत की खबर जिन्होंने ये पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा था और उनके सामने 8वीं बोर्ड जैसी चुनौती थी, और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भी बेहद बड़ी राहत। देखिए माधुरी, जो 8वीं बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य किया गया, उसके बाद में ये समस्या प्रमुखता के रूप में सामने आई थी कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो अलग अलग जो प्रकाशक हैं उनकी पुस्तकें पढ़ा रहे हैं, और जबकि सरकारी स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू किया गया था। यही वजह थी कि उन जो निजी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनके सामने संकट खड़ा हो गया था कि जो परीक्षा का प्रश्न पत्र आना है वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से आना है, लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ा नहीं। और यही वजह थी कि इस पूरी खबर को जी मीडिया ने प्रमुखता के साथ उठाया था और सरकार से ये मांग की थी कि इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाए। बोर्ड अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना था कि हमारे पास क्योंकि स्वीकृत पाठ्यक्रम है, इसलिए हम इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी कुछ होगा वो सरकार के माध्यम से होगा। तो शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी की पहल पर इस पूरे मामले का निस्तारण हुआ है और ये तय किया गया है कि ये वर्ष जब 8वीं बोर्ड की परीक्षा होगी तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वैकल्पिक रखा जाएगा, लेकिन अगले वर्ष से इंग्लिश मीडियम स्कूलों को भी अनिवार्य रूप से 8वीं बोर्ड में शामिल होना होगा। तो एक बड़ी राहत है प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य पर संकट था। शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया मनवीर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये बेहद बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि इस वर्ष जहां बच्चों ने अलग अलग पाठ्यक्रमों को पढ़ा है, वो स्वीकृत पाठ्यक्रम जो 8वीं बोर्ड के लिए अनिवार्य होना चाहिए वो नहीं पढ़ा, तो ऐसे में ये बड़ी राहत उन बच्चों के लिए है, क्योंकि उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो जाता अगर वो इस तरह के बोर्ड एग्जाम्स को देते और जिसमें उन्होंने वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा होता या उनके पास वक्त की कमी होती। तो ऐसे में जहां सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए ऑप्शनल कर दिया है 8वीं बोर्ड को इस साल के लिए, तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी राहत, और इस पूरे मुद्दे को जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। इधर एक अहम खबर डीडवाना से आ रही है, जहां 2 किलो से ज्यादा अफीम जब्त की गई है। आपको बताएं कि बेहद बड़ी जब्ती इसे कही जा सकती है पुलिस की तरफ से, क्योंकि 2 किलो से ज्यादा अफीम का मतलब नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई समझी जा सकती है। इसे 2 किलो से ज्यादा की अफीम डीडवाना में बरामद की गई है, और अब इसके साथ ही पुलिस अपनी जांच में भी जुटेगी। और आपको यह भी बता दें कि बहुत अच्छी कामयाबी ये कि 2-3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इन युवकों से पूछताछ होगी और उसके बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता हनुमान तंवर, हमारे साथ बने हुए। हनुमान, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए माधुरी, बता देना चाहूंगा आपको कि ये नारकोटिक विभाग जयपुर की कार्रवाई है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर एक वीडियो कोच बस में कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 3 युवकों को संदिग्ध मानते हुए उनसे पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई, तो 2.5 किलो के करीब अफीम बरामद हुई उनसे, जिसकी बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत लगभग 2 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। ये नारकोटिक विभाग की एक बड़ी कार्रवाई रही है और सफलता इसमें यह रही कि 3 युवकों को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। जी माधुरी। बिल्कुल, लेकिन हनुमान क्या कुछ अभी तक गिरफ्तार किया है, कुछ खुलासा हो पाया है, या सिर्फ अभी तक गिरफ्तारी हुई है, कुछ और जब्ती भी की होगी पुलिस ने कोई? चलिए, शुक्रिया हनुमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 2 किलो से ज्यादा की अफीम जब्त की है, नारकोटिक्स विभाग की तरफ से कार्रवाई हुई है, और अभी इधर आपको बता दें कि 3 युवकों को इस पूरी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अब और कुछ खुलासे हो सकते हैं इनसे पूछताछ के बाद।